हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 35। तो पेज नंबर जो 35 है उसमें हम कर रहे थे वचन, वचन हम कर रहे थे। तो इसमें हमने इसके अभ्यास भी कर लिए थे, इसके आधे अभ्यास हम आज करेंगे। इसमें देखिए हमने इसके मौखिक प्रश्न कर लिए हैं, लिखित प्रश्न कर लिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर ली है और वचन बदलने का कर दिया है। इसके आगे आज हम करेंगे चौथा, दिए गए वाक्यों को क्रिया रूप बदलकर बहुवचन बनाइए, दिए गए शब्दों से सही वचन पर गोला लगाइए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए और कोष्ठक में दिए गए शब्दों को वचन बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप सभी अपना क्या कर लीजिए, अपनी नोटबुक निकालिए, कॉपी निकालिए, तो आप उसमें आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डालिए वचन। अब चौथा है, जैसे दिए गए वाक्यों से क्रिया रूप बदलने, क्या बदलनी है आपको, क्रिया। जैसे शेर दहाड़ रहा है तो शेर क्रिया क्या हो जाएगी, शेर दहाड़ रहे हैं, यानी कि रहा का क्या हो जाएगा, रहे हैं। ख, हाथी पानी पीता है तो हाथी पानी पीते हैं, हम क्रिया को बदल रहे हैं। ग, मेंढक टरटर कर रहा है तो उसका आएगा मेंढक टरटर कर रहे हैं, यानी कि क्या बदल रही है, क्रिया बदल रही है। ग, बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। ग, मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहे हैं, तो हमने क्या परिवर्तन किया, हमने क्या क्रिया को बदल दिया है बहुवचन में। आगे करते हैं, आपके पास पांचवा है, दिए गए शब्दों के सामने सही बहुवचन शब्द पर गोला भरिए। आपके पास बहुत सारे दे रखे हैं, यानी कि जैसे पुस्तक है तो दो तीन दे रखे हैं, आपको सही बहुवचन पर गोला करना है। तो इसमें आएगा पुस्तकें, तो पुस्तकें पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप गोला करोगे पुस्तकें। लता का क्या हो जाएगा, लताएँ, यानी कि लताएँ। चिड़िया का, चिड़िया। टोपी का, टोपियाँ। वस्तु का, वस्तुएं। छात्र का, छात्रगण। तो इस प्रकार से आप इन सब में गोला करेंगे। आगे है पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो बहुवचन लिखना है आपने, बेटे का होता है बेटे, पुस्तक का पुस्तकें, गुड़िया का गुड़ियाँ, वार्ता का वार्ताएं, आँख का आँखें, पेंसिल का पेंसिलें, महिला का महिलाएं, नीति का नीतियाँ, वस्तु का वस्तुएं, वह का वे। तो इस प्रकार से आपने ये बदले। आगे करते हैं, अब आपका लास्ट है सातवां, ये देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के वचन बदलकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आपने क्या करना है, इनके वचन बदलने हैं। ये देखिए, जैसे है दौड़ रहे हैं घोड़ा, तो घोड़ा दौड़ रहे हैं, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े दौड़ रहे हैं। खो, अपनी अपनी पुस्तक निकालो, तो इसका हो जाएगा अपनी अपनी पुस्तकें निकालो। गो, लड़के नाच रहे हैं, लड़का तो यहाँ पर कोष्ठक में दे रखा था, तो लड़का नाच रहे नहीं होगा, लड़के नाच रहे हैं। गो, आप कितनी बहन है, तो इसका हो जाएगा आप कितनी बहनें हैं। तो ये कार्य वैसे आपने पहले भी कर रखा है, तो रिवीजन के तौर पर आप फिर से करोगे और इनको याद भी करोगे, तो आपका यहाँ पे ये अभ्यास पूरा हो गया है।